नमस्कार किसान भाइयों, इंडियन एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसे किसान भाई से जिन्होंने सोनालिका का 55 हॉर्स पावर का फोर व्हील ड्राइव कैटेगरी का ट्रैक्टर ले रखा है और इसकी जानकारी हमारे किसान भाई आपको देंगे। भैया क्या नाम है आपका? मतीन भाई कोटरीकला। कोटरीकला जी, भैया जी सोनालिका टाइगर 55 जो ले रखा है ये किस चीज़ के लिए आपने स्पेशली ले रखा है? पिलों के लिए, लोडर वेटर के लिए, अगले लोडर के लिए। लोडर वगैरह के लिए? लोडर कसवाना है इसमें। अभी कसवाया नहीं है। इसको लिए हुए कितना टाइम हो गया है? लगभग मान लो कि इसको 15 महीने हो गए। 15 महीने हो गए। और काई काई पे चलाया है इसको अभी तक? कितने घंटे चला दिया? अभी तो बक्कर पे और ये पिलाऊ पे चलाया है। बक्कर और पिलाऊ पे। और इसका रिजल्ट जो है वो क्या है, कैसा है? मतलब कि जैसे कि पिलाऊ के ऊपर कितना डीजल लिया इसने, बक्कर के ऊपर कितना लिया? पिलाऊ के ऊपर इसने मतलब है नहीं, एक 1.5 घंटा में 1 बीघा निकाली। हाँ। तो 4 का दिया। अच्छा। और अगर 1 घंटा में 1 ही बीघा निकालना है तो 5 लीटर खाएगा। 5 लीटर खाएगा। तो वो जैसा जैसे अपने स्पीड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वो काम करता रहेगा। बाकी जैसे कि इसको कल्टीवेटर वगैरह पे चलाया तो कल्टीवेटर वगैरह पे कैसा क्या रिजल्ट रहा? कल्टीवेटर पे भी 4 के दिया उसने, 5 बीघे जमीन निकाली 1 घंटा में। 5 बीघे जमीन निकाल दी 1 घंटा में। राजगढ़ जिले का बीघा है। राजगढ़ जिले का बीघा है। बाकी जैसे कि ये चल रहा है इसमें अभी तक आपने कितने घंटे इसको चला दिया है? लगभग 550 हो गया। 550 घंटे। 550 घंटे पिलाऊ कल्टीवेटर पे चलाया है। पिलाऊ और कल्टीवेटर अलग है लेकिन 550 तो इस पे पिलो पे हो गया। 550 घंटे पिलाऊ पे चला दिया है। और अभी इस सीजन में कितना घंटे चला दिया अभी इस तक? सीजन में अभी 150 घंटे चला दिया। तो जैसे कि इसको आपका इसका रिस्पांस कैसा लगा, मतलब चलने का? बिल्कुल एक नंबर जमा हुआ चलता है। इसके पहले कौन सा ट्रैक्टर था आपके पास? इससे पहले भी 750 सोनालिका का है, 55 हॉर्स पावर का। अच्छा, वो था और वो भी हैगा अभी। अभी भी है। तो आपने मतलब 55 HP कैटेगरी में ये टाइगर ही लिया है, इसके सिवा कोई और ट्रैक्टर नहीं लिया प्लाव के लिए? मान लीजिए अगर आपको प्लाव ही करना था तो? नहीं, हमें सिर्फ यही ट्रैक्टर जमा, क्योंकि वो वापर रखा था हमने जिस वजह से ये के। अच्छा, मजबूती के मामले में पहले का भी सोनालिका है जी। उसका एवरेज क्या है पुराने वाले का? उसका 3.5 लेता है। 3.5 लीटर होगा, मतलब सोनालिका का कहीं ना कहीं माइलेज अच्छा है। हाँ। इसको जैसे कि आप प्लाव पिल के लिए चला रहे हैं। दूसरी बात ये है कि घरों आदमी चलाते हैं, हम ड्राइवर वगैरह के हाथ में नहीं जाता है, देख रेख बिल्कुल सर्विस 50 घंटे पहले करा देते हैं। अच्छा, 50 घंटे पहले करवा देते हैं। अच्छी मेंटेनेंस अच्छा है। ताकत वाकत के मामले में बढ़िया है। बाकी जैसे कि आपको नए इस ट्रैक्टर में कुछ मॉडिफिकेशन करवा रखा है उसके बारे में हमें बताएंगे क्या? जैसे कि भैया इसमें जो क्वालिटी है, जो ट्रैक्टर आता है वो इस तरीके का नहीं आता, आपने इसमें क्या क्या अलग से ऐड करवाया हुआ? ये बम्पर डलवाया मैंने, अलग से बम्पर डलवाया है। इसमें क्या है मतलब? सिर्फ ये आता है कंपनी से। अच्छा, यही आता है। और ये आगे हिज वगैरह है, मतलब रिवर्स में खेस को कुछ चीज। अच्छा, ये लगवा है। ये प्लेटफॉर्म ये बना हुआ है, ये आपने अलग से बनवाया हुआ है? ये अलग से बनवाया, मतलब फ्लैट प्लेटफॉर्म डिजाइन करवाया। कितने का क्या खर्चा आ गया इसमें? 13,000 का खर्चा आ गया। सब घरों ला कराया अपन, अपन घरेल पर ही ला के काम कर। अच्छा, 13,000 का लगभग खर्चा आ गया। बाकी जैसे कि इसके टायरों में क्या पानी भरा हुआ है? चारों में पानी वाने कुछ नहीं है, चारों टायरों में पानी नहीं है। इसमें 13 पाउंड हवा है। अच्छा, उसमें 19 पाउंड हवा अगले वालों, इसमें 13 और इसमें 19 पाउंड। बिना पानी के भर के चला रहा है? जैसे बहुत सारे किसान भाई पानी भर के चलाते हैं, लेकिन आप बिना पानी से चला रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि टायर की स्लिपिंग आएगी? ऐसा कुछ नहीं है, जम के चल रहा है। अच्छा, ऐसा है। थोड़ी सी जमीन भी यहाँ की नरम है। अच्छा, स्लिप भी नहीं मारता। बाकी जैसे कि ये ट्रैक्टर जो आपने लिया है सिर्फ इसको किराए वगैरह पे प्लाव वगैरह? हाँ, किराए वगैरह के लिए। तो आप अपने जो किसान भाई है उनको क्या संदेश देना चाहोगे, मतलब सोनालिका ट्रैक्टर जैसे कि किसी भी के लिए लेना है तो क्या लेगा, सोनालिका या कौन सा? हम तो ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर लें तो ये सोनालिका टाइगर लें, 4x4, माइलेज भी अच्छा है इसका, काम भी अच्छा करता है, बिल्कुल मतलब पीछे हटने का काम नहीं, कहीं पे भी रुकने का काम नहीं है। बाकी आप इस मशीन पे इन पे सब चीज की कंपनी ने गारंटी ली, लेकिन अपन ने अभी भूसा पे नहीं अंदाजा उसका, भूसा मशीन पे नहीं अंदाजा। पीछे बंद मत करो ट्रैक्टर का। उसके बाद में इसका क्या बोलते हैं आपका ये जो है इसको इस ट्रैक्टर को आप 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 10 में से 9 नंबर देंगे, 8 देंगे, या 10 में से 10 ही देंगे पूरे? 10 में से 8, 10 ही देंगे हमारी तरफ से तो। 10 में से 10 ही रहेंगे। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।